नमस्कार, मैं हूं सचिन त्यागी। एनगैदी नेचर रिजर्व के बाद हमने मसाड़ा नेशनल पार्क का रुख किया। और यहां पहुंचने में हमें लगभग 30 मिनट का समय लगा। मसाड़ा नेशनल पार्क जुड़ियन रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर एनगैदी नेचर रिजर्व से 21 किलोमीटर एवं डेडसी से 43 किलोमीटर ऊंची एवं पहाड़ी चट्टान पर बसा एक प्राचीन किला है। इस किले एवं इसके आसपास के क्षेत्र को सन 1966 में इजराइल की नेचर एंड पार्क अथॉरिटी ने इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया, जिसे सन 2001 में यूनेस्को ने भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। यहाँ पर सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक भ्रमण किया जा सकता है। नीचे से ऊपर जाने के लिए केबल कार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसका टिकट 28 शिकल्स का है। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले 31 शिकल्स का एंट्री टिकट लिया और निकल पड़े इस मसाड़ा नेशनल पार्क को घूमने। यहाँ पर मार्च से अक्टूबर तक प्रतिदिन एक लाइट एवं साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है, जो सुबह के 8 बजे से शुरू होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ सैलानी मृत सागर के शानदार दृश्य के साथ सूर्योदय के समय भी मसाड़ा पर चढ़ना पसंद करते हैं। यह यहूदियों का एक पवित्र स्थल भी है, इसीलिए प्रत्येक इजरायली अपने जीवन में कम से कम एक बार यहाँ आने की इच्छा रखता है, ताकि यहाँ की कहानी को नजदीकी से समझ सके। यहाँ लगभग 7.5 लाख सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ की सबसे प्रभावशाली संरचना राजा होरेद का उत्तरी महल है, जो नीचे दिखने वाली 3 चट्टानों पर बना है। इसके अतिरिक्त इस साइट पर अन्य इमारतें जैसे पश्चिम महल, यहूदी अनुष्ठान स्नान एवं वॉच टावर इत्यादि भी हैं। मसाड़ा का हिब्रू में मतलब किला, दुर्ग या गढ़ है, जो एक भव्य किला है, जो इजराइल की प्राचीन साम्राज्य का प्रतीक भी है। इस किले का निर्माण 30 ईसा पूर्व राजा होरेद ने करवाया था। वर्ष 68 CE में रोम के खिलाफ महान विद्रोह की शुरुआत में इस क्षेत्र को यहूदी जोशों के एक समूह ने जीत लिया और मसाड़ा उनका आखिरी गढ़ बन गया। लेकिन 72 CE में रोमन साम्राज्य के सैनिकों ने मसाड़ा पर आक्रमण कर दिया। जोसेफस के अनुसार इस किले में रहने वाले यहूदियों को जब यह लगा कि अब मसाड़ा उनके हाथ से निकल जाएगा और वे गुलाम बना लिए जाएंगे, तो इसमें रहने वाले 960 यहूदियों ने जिंदा रोमन के हाथों पकड़े जाने के बजाय आत्महत्या को चुना। एवं रोमन के पहुँचने से पहले यहूदियों ने इस किले एवं इसके कीमती सामान को भी जला दिया, ताकि रोमन इसका इस्तेमाल न कर सकें। जोसेफस के अनुसार केवल एक बूढ़ी औरत एवं कुछ बच्चे यहाँ की कहानी बताने के लिए बचे थे। इस प्रकार यह यहूदियों के लिए सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक एवं पवित्र स्थल भी है। कुछ देर बाद हम यहाँ के वॉच टावर पर पहुँचे। यहाँ से दूर तक फैले इस जुड़ियन रेगिस्तान को साफ देखा जा सकता है। इस वॉच टावर से
इस किले के खंडर एवं अवशेष भी दिखाई देते हैं एवं बैरसी का शानदार दृश्य भी यहाँ से काफ़ी आकर्षित लगता है। और जो सैलानी यहाँ सुबह सुबह पहुँचते हैं वे यहाँ से सूर्योदय का दर्शन भी करते हैं। दोस्तों आज के सफर में इतना ही, अब मिलेंगे किसी नए सफर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। Thank you.